29 अक्टूबर रविवार का दिन, ये दिन केरल को हमेशा याद रहेगा। इसे अगर केरल के इतिहास का सबसे दुखद भरा दिन भी कहा जाए तो कोई नाइंसाफी नहीं होगी। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, केरल के एर्नाकुलम में स्थित एक कन्वेंशन सेंटर में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन बम धमाके हुए। जी हाँ, तीन बम धमाके। इसमें अब तक तीन लोगों की मृत्यु भी हो गई है, जिसमें से एक 12 साल की लड़की थी, जिसने देर रात में अपना दम हॉस्पिटल में तोड़ दिया। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ा, वहीं 41 लोग घायल हैं, जबकि 5 की हालत बेहद गंभीर है। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज के मुताबिक 17 लोग विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं, इनमें 12 आईसीयू में हैं और 3 वेंटिलेटर पर हैं। 4 की हालत गंभीर है, जो करीब 50-60% तक झुलस गए हैं। केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन ने बताया, ADGP कानून एवं व्यवस्था के नेतृत्व में एक विशेष टीम इस घटना की जांच करेगी। जांच दल में 20 सदस्य होंगे। हादसे को लेकर मुख्यमंत्री आज सर्वदलीय बैठक भी घोषित करेंगे। केरल पुलिस ने मार्टिन द्वारा बम लगाने की पुष्टि की है। जी हां, जिस व्यक्ति ने बम लगाया है उसका नाम मार्टिन है, उसका पूरा नाम मार्टिन डोमिनिक। पुलिस को उसके फोन से IED ब्लास्ट करने के लिए इस्तेमाल किए गए रिमोट कंट्रोल के विजुअल मिले हैं। IED, ये शब्द बहुत से लोगों ने सुना होगा। ये एक विस्फोटक है जिसका मुख्य काम बम धमाके के बाद आग लगाना है, और जैसा कि विजुअल्स में दिख भी रहा है, वो पूरा कन्वेंशन सेंटर चारों तरफ से आग में झुलझ रहा था, और उस समय कम से कम 2000 लोग उस प्रेयर में मौजूद थे। पुलिस ने बताया कि डोमिनिक ने सरेंडर करने से पहले फेसबुक लाइव किया था, उसमें उसने ब्लास्ट की बात कबूली है। डोमिनिक ने ऐसा कहने की वजह भी बताई है, हालांकि कल तक उसने वजह नहीं बताई थी, आज कुछ नए अपडेट आए। उसने फेसबुक पर लाइव आकर कहा है कि वो भी ईसाई धर्म के यहोवा के साक्षी समूह से संबंधित है, लेकिन उसको उनकी विचारधारा पसंद नहीं है। उन्हें वो देश के लिए खतरा मानता है, क्योंकि वे लोग देश के युवाओं के दिमाग में जहर घोल रहे हैं। केरल में पिछले कुछ दिनों से फिलिस्तीन के समर्थन में मुस्लिम संगठन लगातार रैलियां भी कर रहा है। अब इस पूरे मामले की कड़ी 27 अक्टूबर वाले हमास के नेता से भी जुड़ रही है, जो कि एक वर्चुअल मीटिंग में केरल में ही शामिल था। 27 अक्टूबर को भी मल्लापुरम में, जो कि जगह का नाम है मल्लापुरम, जिसमें एक रैली हुई जिसमें हमास नेता खालिद मशेल वर्चुअली शामिल हुआ। हालांकि अभी तो ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि अब इस पूरे घटना को देखते हुए ये पूरा मामला कहीं ना कहीं इसराइल और हमास युद्ध से जुड़ गया है। वहीं डोमिनिक मार्टिन की बात कुछ अलग दर्शा रही है। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जब तक के लिए मैं सजल रघुवंशी कैमरा पर्सन अफजल शेख के साथ विदा लेता हूँ। धन्यवाद।